চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ কেজে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কেজে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই वेलकमिंग मैं बेंगल में बोलूंगी लेकिन सारा वीडियो मैं हिंदी में ही शूट किया है तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार अपना देखे सुस्वागतम বিশ চল্লিশ ফ্যামের তরফ থেকে সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। বড়দেরকে আমার প্রণাম আর ছোটদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। Hey guys, so, अपना बेस रेडी करने से पहले मैं अप्लाई करूंगी एसेंशियल ऑयल। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। एनीवेज, दिस इज एसेंशियल ऑयल। सो ये है लेवेंडर गुड वाइब्स का, जिसका वीडियो मैंने किया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं। एंड इसका इसके साथ ड्रॉपर आता है, सो यस, आंखें संभाल के। ओ ओ ओ ओ जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने अप्लाई कर लिया, सो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास मॉइस्चराइजर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यस, थोड़ा सा लेना है अपने हाथ पे एंड अप्लाई कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेवलिन का फिट मी फाउंडेशन। आप लोग सोचते हो यही फाउंडेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है एंड लॉकडाउन चल रहा है एंड मेरे पास इतना सारा सामान नहीं होता ख़त्म होने के बाद। बाय। सो यस, आई एम यूजिंग दिस
फिट मी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड आई थिंक मैं नेक्स्ट यही खरीदूंगी। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत पहले किया हुआ है, लैक्मी का एक फाउंडेशन खरीदा था, नॉट सो गुड। इसका भी मेबलिन का भी एक पम्प वाला फाउंडेशन आता है, वो भी इस्तेमाल करके इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है। ऐसा नहीं कि मैं और कुछ भी नहीं ट्राई करूँगी, करूँगी बट आई प्रेफर दिस फाउंडेशन। अगर आप लोगों को अच्छा फाउंडेशन मिल जाए तो और क्या चाहिए। यस, लेकिन मैं मॉइस्चराइज़र में बहुत वैरायटी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में स्किन केयर, स्किन को केयर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर आप चाहें तो मैं एक मॉइस्चराइज़र का सीरीज़ कर सकती हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सो यस, लेट मी डू इट नाउ। ये फर्स्ट फॉरवर्ड मोशन में चला जाएगा। सो यस, के बाद मैं यूज करूंगी मैबलिन का फिट मी कंसीलर। सो यस, ज्यादा नहीं अपने आंखों के अंडर आई यूज करूंगी, नोज के ब्रिज में एंड चिक बोन में, लिप्स के ऊपर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, बस दैट्स इट। इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे आप लोगों का, उतना अच्छा मेकअप फिनिशिंग होगा, मतलब फिनिशिंग अच्छा आएगा, लाइक फिनिशिंग प्रोडक्ट अच्छा आएगा, प्रोडक्ट। सो यस, ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कीजिए। सो लेट मी, जो आप ये आईब्रो देख पा रहे हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यस। सो द थिंग इज, मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि तू कहाँ जाती है ब्यूटी पार्लर में, मतलब तू कहाँ से करवा रही है थ्रेडिंग। तो बहन, मैं कहीं से थ्रेडिंग नहीं करवा रही हूँ, ये थोड़ा मेकअप का कमाल है। और मेरे पास और एक टूल है, ये जो कि जब भी वीडियो शूट करती हूँ तभी इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत, बाकी अगर आप सामने से देखेंगे तो समझ जाएंगे, जैसे तैसे मिला है मैंने। और लड़कों का तो KGF वाला हाल हो चुका है, अगर किसी से पूछते, अरे तूने ये तू कटाता क्यों नहीं, मतलब घर में भी तो कोई काट सकता है। नहीं, KGF लुक चाहिए उन लोगों को, KGF लुक, चलो भाई KGF लुक करो। ये लॉकडाउन खोलने के बाद ये पार्लर वाले और ये नाई वाले बहुत रिच होने वाले हैं जैसा लग रहा है मुझे। हाल बहुत बेहाल है, मेनली ये ट्रेडिंग का, what to say, सेम हाल है मेरी बहन। ओके, चलो आपसे बातें करते करते, मैंने तो कंसील कर लिया जो डैमेज हुआ था। सो यस, उसके बाद मैं मेवलिन का डुओ स्टिक अप्लाई करूंगी। सो इससे मैं अपने चीक बोन को डिफाइन करूंगी। सो ये क्रीमी टेक्सचर में है, सो यस। ये फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मी का एब्सोल्यूट इधर से, या फिर आप अपने आई पैलेट से भी, क्योंकि मेरा तो आप कंट्रोल करने के लिए यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो यस, ऑलवेज आई यूज़ फ्रॉम हेयर ओनली। सो ये पाउडरी फॉर्म में, यू कैन सी द डिफरेंस। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर। सो यस, काफी लूज, तो अभी इसको डिप करके इसके अंदर फिर अपने आंखों के अंदर अप्लाई करूंगी, ताकि जब मैं अप्लाई करूंगी अपना आई शेडो तो फॉल आउट जितना भी हो, जब इसको मैं ब्रश करूंगी, जब इसको मैं ब्रश करूंगी तो सारा फॉल आउट इसके साथ निकल जाएगा। एंड यस, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस।
कैन सी ला ओके ओके इससे करना चाहिए एनीवेज। तो इसके बाद हम लोग करेंगे अपना आईज, तो चलिए स्टार्ट कर। सो मैं लूंगी ग्लैम 21 का पैलेट, तो इधर से हम लोग लेंगे ब्रश, पहले ब्रश लेना है हम लोग को, फिर इधर से मैं लूंगी एक ऑरेंज कलर जो कि है ये, आप लोग देख पा रहे हैं। सो यस, इसमें बहुत ज़्यादा कलर है एंड हर कलर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड कम रेंज में। दिस प्रोडक्ट रॉक्स। अगर आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए या फिर मेकअप ट्यूटोरियल इस प्रोडक्ट यूज़ करके, तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ करूंगी इससे। तो आप लोग को एक डेप्थ मिल जाएगा, फिर इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा फिनिश आप लोग को मिलेगा। सो यस टू ब्लेंडिंग। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर अपने आई लिड पे, बस इतना इनफ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने अपने आप के ऊपर कंसीलर लगा दिया, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। पूरे आई लिड में नहीं लगाना है, जस्ट आंखों के सामने, देख पा रहे हैं शायद से, बस एक कट मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर हम लोग ये वाइट कलर अप्लाई कर लेंगे, गोल्डन वाइट शिमरी कलर। सो यस, तो अपना जो तो इससे उसके बाद इससे बाद मैं अप्लाई करूंगी मिस्टर मिलन का पेन आईलाइनर। तो इससे ड्रॉ करने में बहुत आसान रहता है, ये एकदम पेन के जैसा है, तो इससे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप, इजीली कैटाई भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। के बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, ये भी मैबलिन का मस्कारा है, तो आज मैंने ज्यादातर सारा प्रोडक्ट मैबलिन का यूज किया है। सो इधर देख के लगाना बहुत ही मुश्किल है, सो फिर से अपना मैं मिरर ले लेती हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एनवे का रनवे, ये मैंने पर्ल से ऑर्डर किया था। सो यस, कलर भी अमेजिंग कलर है। Last but not the least, I'm going to apply highlighter. This is the favorite part of my makeup. So yes, with the help of this pen brush. You can see the glow. Okay, so yes, that's it. Makeup तो मेरा complete हो चुका है, तो अभी अपना hairs और jewelry पहन लेती हूँ। শেয়ার করতে ভুলবেন না, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা নিশ্চয়ই শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলটাকে। আর
সাবস্ক্রাইবের সঙ্গে যে বেল আইকনটা আছে ওটাও ক্লিক করতে ভুলবেন না। আর নিশ্চয়ই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।